कुकड़ेश्वर नगर परिषद में 15 वार्डों की यह है वर्तमान स्थिति। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MB7 न्यूज। पिछले बार की तरह मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। देखिए कुकड़ेश्वर नगर की खास खबर। नगरी निकाय चुनाव 2022 के तहत द्वितीय चरण के निर्वाचन आगामी 13 जुलाई को होना है, जिसमें कुकड़ेश्वर नगर परिषद के 15 वार्डों में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी 15 व कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी 15 हैं। बीजेपी के 11 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं व 7 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। आम जनता की राय व चौराहे की चर्चा है कि वार्ड 1 से पूर्व सरपंच कारूलाल भांटिया की पत्नी मुन्नी बाई व बीजेपी से कलावती मोदी के बीच सीधी टक्कर है। पूर्व सरपंच की धरातली पकड़ की वजह से वार्ड 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वार्ड 2 निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिख रही है। वार्ड 3 में जबरदस्त कश्मकश रहेगी, क्योंकि कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी फुलवंती बाई, जो कि पूर्व पार्षद रिंकू भांटिया की धर्मपत्नी है, रिंकू भांटिया की सक्रियता के साथ ही स्थानीय वार्डवासी होने से मजबूत उम्मीदवार है। वहीं बीजेपी से सोनाली उज्जवल पटवा मैदान में है। उज्जवल पटवा के समर्थक वार्ड 3 से ज्यादा हैं, जिससे रिंकू भांटिया के वोटों को सेंध लग सकती है। वार्ड 3 पर कांग्रेस व बीजेपी दोनों दलों की पैनी नजर रहेगी। वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है। वहीं वार्ड 4 में 5 उम्मीदवार मैदान में है, जहां असमंजस्य की स्थिति निर्मित है, पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के महेश टोडावाल व बीजेपी के महेश मोनू मोदी के बीच टक्कर रहेगी। वार्ड 5 में लक्ष्मीबाई कछावा निर्दलीय उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस से अनीता खींची व बीजेपी से मंजू सोनी है। वर्तमान स्थिति में निर्दलीय व कांग्रेस प्रत्याशी के बीच टक्कर है। वार्ड 6 से पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष समृत पटवा की पुत्र वधु उर्मिला महेंद्र पटवा बीजेपी से हैं। वहीं कविता नाहटा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। वहीं भाजपा में लगभग 25 वर्ष से सतत सक्रिय व धरातली पकड़ रखने वाली निर्दलीय उम्मीदवार मीना गजेंद्र कोचर हैं। इस वार्ड 6 में त्रिकोणीय श्रृंखला है, परिणाम रोचक रहेंगे। वार्ड 7 में कांग्रेस से पूर्व में 2 बार पार्षद रह चुकी ममता मुकेश जिगर हैं। वहीं बीजेपी से कौशल्या बाई काजू मोदी व 2 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वार्ड 8 में सुरेश मालवी बीजेपी से हैं। वहीं कांग्रेस से भागीरथ मालवी मामा व विष्णु मालवी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वार्ड 9 में बीजेपी से कैलाश मालवीय घाटी व कांग्रेस से दुर्गा शंकर मालवीय हैं। वह पूर्व पार्षद व वर्तमान निर्दलीय प्रत्याशी सुनील तेजावाला है। वार्ड 9 में भी घमासान रहेगा। वार्ड 10 में बीजेपी से रेखा पप्पू तरता व कांग्रेस से संगीता प्रमोद मालवी लांड्री में सीधी टक्कर है। वहीं वार्ड 11 में बीजेपी से शंभू मालवी मिलन व कांग्रेस से प्यारचंद मालवी व निर्दलीय प्रत्याशी पवन मालवी मिलन में त्रिकोणीय संघर्ष है। वार्ड 12 में बीजेपी से रंजना लोकेश टुगनावत व कांग्रेस से बबली बाई नंदलाल मालवीय में सीधी टक्कर है। व बीजेपी से बागी व निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र चौधरी हैं, जिससे बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है। वह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई लग रही है। वहीं वार्ड 13 में बीजेपी से शांति बाई विजेश माली व कांग्रेस से कंचन बाई रविंद्र है। वहीं जगदीश जगोलिया बीजेपी से बागी उम्मीदवार हैं व अन्य निर्दलीय भी हैं। ऐसे में शांति बाई माली व जगदीश जगोलिया में सीधी टक्कर है। वार्ड 14 में बीजेपी से मुकेश बगेरिया व कांग्रेस से भगवान लाल के बीच सीधी टक्कर है। वार्ड 15 में राजू मालवी व कांग्रेस से अमृत पंचोली के बीच सीधी टक्कर रहेगी। वहीं बीजेपी से बागी उम्मीदवार दिनेश मामा है, जो बीजेपी की समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कुल मिलाकर कुकड़ेश्वर नगर परिषद के 15 वार्डों की धरातली स्थिति व आम जन की चर्चा से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी के कम से कम 5 व अधिकतम 8 पार्षद चुनाव जीतकर आ सकते हैं।
वहीं कांग्रेस से कम 5 व अधिकतम 9 पार्षद चुनाव जीतकर आ सकते हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों में कम से कम 2 व अधिकतम 4 उम्मीदवार जीतकर आ सकते हैं। अर्थात कुकड़ेश्वर नगर परिषद में इस बार एक तरफा किसी भी दल को बहुमत मिलता हुआ नहीं लग रहा है। निर्दलीय उम्मीदवारों का सहारा लेना पड़ सकता है। साथ ही कुकड़ेश्वर के चुनाव में समीकरणों में फेरबदल करने की क्षमता रखने वाले पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के अनुज समरथ पटवा व संजय मुजावदिया, नरेंद्र मालवीय, संजय आचार्य, उज्जवल पटवा, बीजेपी समर्थक व कांग्रेस समर्थक नंदलाल मालवीय व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप रोदवार की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। चुनाव से जुड़ी हर प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7।